नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। इस वक्त सबसे बड़ी खबर डेविड वॉर्नर को लेकर आ रही है, क्योंकि डेविड वॉर्नर ऑस्ट्रेलिया टीम के एक अहम खिलाड़ी हैं, एक अहम सदस्य हैं और ओपनर के तौर पर शानदार शुरुआत ऑस्ट्रेलिया को देते हैं। लेकिन डेविड वॉर्नर को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि शायद डेविड वॉर्नर ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले मुकाबले ना खेलें। इसको लेकर एरोन फिंच ने एक बहुत बड़ी अपडेट दी है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा और ये बताऊंगा कि आखिर डेविड वॉर्नर को लेकर इस बात का सच क्या है, क्या है इसके पीछे की हकीकत जो डेविड वॉर्नर को लेकर लगातार बताई जा रही है। दरअसल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस दौरान डेविड वॉर्नर को लेकर एरन फिंच ने बहुत बड़ी बात कही कि डेविड वॉर्नर चोटिल थे, जाहिर तौर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम उनको उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहती है, क्योंकि डेविड वॉर्नर ऑस्ट्रेलिया की टीम के एक अहम खिलाड़ी हैं। इसीलिए एरन फिंच ने कहा कि जो न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होगा उस मुकाबले में डेविड वॉर्नर पूरी तरीके से फिट हो जाएंगे और शायद खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे। लेकिन एरोन फिंच ने यहां पर एक बहुत बड़ा अपडेट दिया। एरोन फिंच ने कहा कि डेविड वॉर्नर जो भारत के खिलाफ अभ्यास मैच होगा उस अभ्यास मैच में शायद मैदान पर नहीं उतरेंगे, डेविड वॉर्नर उस मुकाबले में नहीं खेलेंगे, इसीलिए ताकि डेविड वॉर्नर को आराम दिया जा सके और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मुकाबला होना है ऑस्ट्रेलिया का उसमें डेविड वॉर्नर के लिए को खेलने के लिए तैयार किया जा सके। तो यह एरोन फिंच ने बहुत बड़ा बयान दिया है डेविड वॉर्नर को लेकर कि भारत के खिलाफ जो अभ्यास मैच होगा उसमें डेविड वॉर्नर आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। ये डेविड वॉर्नर को लेकर बहुत बड़ा अपडेट एरोन फिंच ने दिया है। वैसे जाहिर तौर पर भारत के खिलाफ जो मैच होगा, अभ्यास मैच होगा, वो केवल अभ्यास मैच है। ऑस्ट्रेलिया की टीम चाह रही है कि वो अपने बड़े खिलाड़ी को, बड़े ओपनर को ज्यादा से ज्यादा मैच से दूर रखे, ताकि कोई चोट ना हो, कोई चोटिल ना हो पाए। और क्योंकि डेविड वॉर्नर एक बड़े मैच विनर प्लेयर है, इसलिए डेविड वॉर्नर को अभ्यास मैच की बजाय पहले मुकाबले में सीधा ऑस्ट्रेलिया उतारने की रणनीति बना रही है। यही प्लान ऑस्ट्रेलिया का और यही खबर एरोन फिंच ने दी कि जो भारत के खिलाफ पहला अभ्यास मैच होगा उसमें डेविड वॉर्नर नहीं खेलेंगे। तो आपका डेविड वॉर्नर को लेकर क्या खबर और ऑस्ट्रेलिया का इसके पीछे का क्या प्लानिंग है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।